राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को गोरक्ष नगरी में धर्म, आध्यात्म और प्रकृति के संगम से रूबरू होंगे। उनकी अभूतपूर्व अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को व्यस्तम दिनचर्या के बावजूद शाम को ही यहां डेरा डाल दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर हुई तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गोरखपुर को, खासकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थलों व उनके रूट को इस कदर सजाया सवारा गया है कि इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। शनिवार 4 जून को दोपहर बाद गोरखपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस का भ्रमण करेंगे। वह गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करते हुए आर्ट पेपर पर छपी श्री रामचरितमानस के विशेष अंक व गीता तत्व विवेचनी का विमोचन करने के साथ यहां के लीला चित्र मंदिर का अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति गीता प्रेस परिसर में आयोजित समारोह में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। उनके साथ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गीता प्रेस का भ्रमण करने के उपरांत राष्ट्रपति श्री कोविंद नाथ संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध मठ गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। राष्ट्रपति मंदिर में शिवतारी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही गोरक्षपीठाधीश्वर की तरफ से उनके सम्मान में जलपान का भी आयोजन किया गया है। इसमें चुनिंदा गणमान्य जन को राष्ट्रपति का सानिध्य भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित इस नैसर्गिक ताल का सौंदर्य देखने के साथ ही वह राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संग मनमोहक साउंड एंड लाइट शो का भी आनंद उठाएंगे। ताल क्षेत्र में राष्ट्रपति के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से एक स्पेशल बोट का व्यवस्था कराई गई है। साउंड एंड लाइट शो के दौरान कुछ बच्चे भी राष्ट्रपति के साथ उपस्थित रह सकते हैं। गोरक्ष नगरी में राष्ट्रपति के अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक स्वागत के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सप्ताह भीतर दूसरी बार तैयारियों की ग्राउंड जीरो पर समीक्षा की। 29 मई को सीएम ने गीता प्रेस तथा गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर हुई तैयारियों का जायजा लिया था। शुक्रवार को लखनऊ में पीएम मोदी की मौजूदगी वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और कानपुर देहात में राष्ट्रपति के पैतृक गांव परौंक में राष्ट्रपति व पीएम का दौरा संपन्न कराने के बाद सीएम सीधे गोरखपुर पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर रामगढ़ ताल का निरीक्षण किया। साउंड एंड लाइट शो को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए। तैयारियों को लेकर उन्होंने सर्किट हाउस में राष्ट्रपति के ठहरने के इंतजाम का भी जायजा लिया। रामनाथ कोविंद ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। श्री कोविंद बतौर राष्ट्रपति सबसे पहले 10 दिसंबर 2018 को गोरखपुर आए थे। तब वह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए थे। गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ की आराधना भी की थी। इसके बाद उनका गोरखपुर आगमन 28 अगस्त 2021 को हुआ था। तब उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया था। अब 4 जून शनिवार को राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद गोरखपुर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करने के उपरांत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 जून रविवार की सुबह संत कबीर की साधना स्थली मगहर जाएंगे। 29 मई को यहां का दौरा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं। राष्ट्रपति के साथ मगहर में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। संत कबीर की समाधि पर श्रद्धा निवेदित करने के साथ ही राष्ट्रपति संत कबीर अकादमी व शोध संस्थान तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार संत कबीर की साधना स्थली को महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसके दृष्टिगत यहाँ संत कबीर अकादमी, शोध संस्थान, गजवे पार्क, म्यूरल गैलरी, एग्जीबिशन सेंटर, पाथवे, कैफेटेरिया, लाइफ एंड साउंड व्याख्यान केंद्र, घाटों का विकास, संगीतमय फव्वारा, प्रदर्शनी क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं, मार्ग, प्रदर्शनी गलियारा, प्रकाश व ध्वनि कार्यक्रम, सोलर लाइटें, रंगीन रोशनी, चारदीवारी, स्मारकों की रोशनी, हाई मास्ट लाइट, नावें, दुकानें, वोटिंग के समय सुरक्षा उपकरण, बेंच,
कूड़ादान, पार्कों की ग्रीनरी आदि कार्य कराए गए हैं। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी लाइन राहुल भाटी, सीओ बांसगांव अंजनी कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये तो हटे सामने से यहाँ पे बैठ करके देखेंगे। यस सर, यहाँ से दिखाई देगा यही ये फुहारा चलता भी है। यस चलेगा नहीं मैट तो मैट रहेगा। यस यस यस, यहाँ बच्चे रहेंगे सर। चलते रहो चलते रहो राजू भैया चलते रहो। सर इसका लोकेट साहब फोटो बहुत हो गया। चलिए कोई
इधर आओ।